गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ एक गुरुजी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होया करते थे। एक दिन एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी की उंगली में आकर गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा, इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा। गुरुजी ने चूहिया को अपनी शक्तियों से एक छोटी सी लड़की के रूप में बदल दिया और अपने संग आश्रम ले आए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए वह उसे अपने संतान के रूप में पालेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब कन्या विवाह योग्य हो गई थी तो गुरुजी ने सूर्यदेव से प्रार्थना करी और पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, कृपया मेरे लिए बेहतर पति की तलाश करें। सूर्यदेव बोले कि गुरुजी एक बादल ही हैं जो मुझे अपने पीछे ढक लेते हैं, इसलिए आप बादलों के राजा से विनती करें कि वह आपकी बेटी से शादी कर लें। इस पर बेटी बोली कि बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, कृपया मेरे लिए दूसरे पति की तलाश करें। अब बादलों के राजा ने गुरुजी को सलाह दी कि हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें, वो मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वो मुझे भी उड़ाकर ले जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायुदेव से कहा कि वह मेरी बेटी से विवाह करेंगे। पर इस पर बेटी बोली कि मैं वायुदेव से विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि वह एक जगह स्थिर नहीं रहते। अब वायुदेव ने गुरुजी को सलाह दी कि वह पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात करें क्योंकि पहाड़ उनसे भी बेहतर हैं, क्योंकि एक पहाड़ ही हैं जो वायु के हर प्रकोप को सहन कर लेते हैं। अब गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करा और पहाड़ों के राजा को बुलाया और उनसे कहा कि क्या वह मेरी बेटी से विवाह करेंगे। पहाड़ों के राजा को देखते ही बेटी बोली, नहीं पिताजी, मैं पहाड़ों के राजा से शादी भी नहीं करूंगी क्योंकि वह बहुत कठोर और निर्दयी होते हैं। अब गुरुजी ने पहाड़ों के राजा से बोला कि ऐसा कौन है जिससे यह विवाह कर सकती है? पहाड़ों के राजा ने कहा, एक चूहा ही है जो मेरे जैसे कठोर पर छेद कर सकता है, आप चूहों के राजा को बुला सकते हैं। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें, मैं चाहता हूं कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे तो। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह बहुत खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरुजी ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। ये कहानी हमको सिखाती है कि जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है।